नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृतियों से अलग है। इसका मुख्य कारण भारत के रीति रिवाज, रहन सहन और खान पान है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से भिन्न करती हैं। वे हैं भारत की प्राचीन इमारतें व मंदिर। भारत के प्राचीन मंदिर आज भी देश विदेश के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह मंदिर आज भी भारतीय कला व वास्तुकला के जीते जागते प्रमाण हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही भौरनदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी देंगे, जो भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ व खूबसूरत नमूना है। भौरनदेव मंदिर। प्राचीन भौरनदेव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह मंदिर छत्तीसगढ़ आने वाले लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जो भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और सुंदरता का बेहतरीन नमूना है। भौरनदेव मंदिर की तुलना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खजुराहो और ओडिशा में स्थित कोणार्क मंदिर से की जाती है। प्राचीन भौरनदेव मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले से 18 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। कहते हैं कि भौरनदेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भौरनदेव के बारे में मान्यता है कि भौरनदेव भगवान शिव का ही एक रूप है। भौरनदेव गौंड समुदाय के पूजनीय देव हैं, लेकिन इस मंदिर में वैष्णव, बौद्ध और जैन प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक ने करवाया था, जो भगवान शिव के परम भक्त थे। इसीलिए यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग रूप में दर्शन होते हैं। मुख्य मंदिर दो भागों में बटा हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग यानी मुख्य मंडप में शिवलिंग स्थापित है। इस भाग में एक ऊंचा मंच बना हुआ है। इसी मंच पर भगवान शिव के पूर्व मुखी शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं। इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु और उनके अवतारों नरसिंह व वामन के साथ ही भगवान शिव के नटराज रूप श्री कृष्ण, भगवान गणेश के दर्शन भी होते हैं। मंदिर में काल भैरव और सूर्य देव की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण काल। इस मंदिर का निर्माण काल 11वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। प्राचीन समय में भौरनदेव मंदिर के आसपास का इलाका नागवंशी शासकों की राजधानी रहा है। माना जाता है कि इन शासकों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इस स्थान पर शासन किया था। इसीलिए इस काल के दौरान ही 11वीं शताब्दी के आसपास नागवंशी शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया होगा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नागवंश के छठे शासक गोपाल देव या लक्ष्मण देव नामक राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ लोगों का मानना है कि नागवंश के राजा रामचंद्र के जीवन काल के समय ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कला का बेजोड़ नमूना। छत्तीसगढ़ में स्थित यह मंदिर कला का बेजोड़ नमूना है और साथ ही भारतीय वास्तु कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। यह मंदिर देखने में खजुराहो, अजंता एलोरा और कोणार्क मंदिर जैसा लगता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर की ओर कामसूत्र पर आधारित संख्या में 54 के करीब मूर्तियां बनी हुई हैं। ये कामुक मुद्राओं में बनी हुई मूर्तियां हर किसी को पहली ही नज़र में अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस मंदिर के आधार पर इस मंदिर का निर्माण करवाने वाले नागवंशी शासकों को खजुराहो के शासकों का समकालीन कहा जाता है। चाहे ये मूर्तियां देखने में कामुक हैं, लेकिन कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई ये मूर्तियां उस काल के संपूर्ण जीवन को प्रस्तुत करती हैं। इस क्षेत्र की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए स्तंभ, शिलालेख और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी इस मंदिर में संभाल कर रखी हुई हैं। प्राचीन संस्कृति को दर्शाता मंदिर। मंदिर में बनी हुई मूर्तियां उस काल की संस्कृति और लोगों के जीवन को प्रस्तुत करती हैं। इस मंदिर में बनी हुई मूर्तियों में भक्ति में लीन, नाचते गाते काम क्रीड़ा में व्यस्त लोग दिखाई देते हैं, जो एक खुशहाल जीवन का प्रतीक हैं। नाचते गाते लोगों की मूर्तियों को देखकर कहा जा सकता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र के लोगों का नृत्य कला से विशेष लगाव था। भौरनदेव महोत्सव। भौरनदेव महोत्सव पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल एक दिन ही मनाया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा ये उत्सव 3-4 दिन तक मनाया जाता है। भौरनदेव महोत्सव मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। यह भौरनदेव महोत्सव देश के सुप्रसिद्ध कलाकारों को मंच प्रदान करता है। इसमें देश के कोने कोने से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, यह थी भौरनदेव मंदिर से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।